तो जी भाई आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी आप ये देख पा रहे हो मारुति सुजुकी की वैगनार, और वैगनार जो है LXi बेस वेरिएंट में आती है, व्हाइट कलर में आप देख पा रहे हो, और एम्बियंस भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे विजिट कर सकते हो, सारी आपको कार्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ये फिलहाल अरीना पे हूँ मैं, नेक्स्ट अभी आपको देखने को मिलता है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट वगैरह मैं सारा प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। अरीना आप इधर देख लो, अंदर कैफे वगैरह आपको देखने को मिलता है, एक्सेसरीज का एक डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, आप सारा चेक कर सकते हो। और बाकी चलो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और बाकी आके देख लो। SK यूनिवर्स में फिलहाल मैं खड़ा हूँ, बुलंदशहर में। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मयूर जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। और बाकी हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको हेडलैम्प जो है हेलोजन में देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड, और फॉग लैंप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और साइड में इंडिकेटर आपको जो है उसकी केसिंग जो है वो ऑरेंज मिलती है, बाकी बल्ब जो है वो ऑरेंज आपको देखने को नहीं मिलता। और बाकी हैंडल्स की बात करें तो ब्लैक कलर में आते हैं, बॉडी कलर में आपको देखने को नहीं मिलते। और बाकी बूट ओपनिंग की बात करें तो आप चाबी से या फिर अंदर लीवर से ओपन कर सकते हो, और अनलॉक करके हैंडल दिया हुआ है, हैंडल से आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि भाई इतना कुछ बूट मिलता है। और बाकी वैगनार को तो स्पेस के लिए जाना ही जाता है। स्पेयर व्हील की बात करते हैं, फिर मेन टायर की प्रोफाइल बताता हूँ क्या को देखने को मिलती है। वो भी सेम ही मिलेगी, 155/80 R13 की प्रोफाइल आती है, और बाकी बाहर की भी सेम प्रोफाइल आती है, सिल्वर स्टील रिम्स आते हैं। और बाकी पीछे की बात करें तो आपको पीछे क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जिसपे अपना वैगनार लिखा हुआ है। और बाकी चार पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और लोगो देखने को मिल जाएगा आपको सुजुकी का, जिसमें आपको क्रोम देखने को मिलेगा। और बाकी फ्यूल लिड आप देखोगे तो फ्यूल लिड ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जिसे आप अंदर से ओपन कर सकते हो। और बात करें डीलरशिप की, तो डीलरशिप आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आप SK यूनिवर्स पे विजिट कर सकते हो, गूगल मैप्स पे लोकेशन है। और बाकी कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके कार की डिटेल्स ले सकते हैं और ऑफर वगैरह सारे जान सकते हैं। और बाकी नेक्सा ट्रू वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, ट्रू वैल्यू पे आप अपनी कार एक्सचेंज करवा सकते हो और आपको बेस्ट वैल्यू कार की अपनी मिल जाएगी। और बाकी कार के अंदर चल के बात करते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी चाबी से आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और सेंटर लॉकिंग आपको देखने को मिल जाती है, बाकी सिर्फ रिमोट लगवा के आप इलेक्ट्रिक अनलॉकिंग का बेनिफिट ले सकते हो। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ बैक एडजस्टमेंट और आगे स्लाइड वाली एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, और बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी टैकोमीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर बेसिक आपको देखने को मिलेगा, टॉगल आपको वाइपर का मिल जाता है, और बाकी ये आपको देखने को मिल जाएगा नहीं मिलता। और मैनुअल AC देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, कुछ स्पेस देखने को मिलती है, कप होल्डर देखने को मिलता है, और इधर भी स्पेस देखने को मिलती है, आप अपना वॉलेट वगैरह या फोन वगैरह इधर रख सकते हो। हैंड ब्रेक जो है आपको मैनुअल देखने को मिलती है, और जो सीट है वो अपना लाइट टोन के अंदर आ जाती है। और बाकी डुअल कलर में, डुअल टोन में अपना डैशबोर्ड और डोर्स वगैरह आ जाते हैं। और बाकी ऊपर शेड की बात करें तो शेड अपना जो है अपना ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसमें टिकट होल्डर आ जाता है। और इधर की शेड की बात करें तो आपको मिरर देखने को नहीं मिलता, और एयरबैग अपना दो देखने को मिल जाते हैं, जो IRVM है वो अपना डे नाइट देखने को नहीं मिलता। और बाकी हेलोजन में आपको लैंप देखने को मिल जाता है, और अपना ग्रैब हैंडल आपको फिक्स वाले देखने को मिलते हैं। और बाकी हैंडल्स की बात करें तो हैंडल आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं, और बाकी मैनुअल में है तो अपना वही तीन पेडल देखने को मिल जाते हैं, डेड पेडल अपना देखने को मिल जाता है, और बाकी स्पेस तो बढ़िया है ही। और बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स आपको ऐसा कुछ साइज में देखने को मिल जाता है, आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। और बाकी एयरबैग के कंपार्टमेंट सेपरेट दिया गया है, जिससे आपकी कॉस्टिंग ज्यादा ना आए, अगर डिप्लॉय होता है तो भगवान करे डिप्लॉय ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन कॉस्टिंग कम रखने के लिए आपको पूरा चेंज ना करवाना पड़े, इसलिए सेपरेट कंपार्टमेंट दिया गया है। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट आपको नहीं देखने को मिलती। और बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो चाबी अपना बेसिक जैसे देखने को मिलती है, चाबी लगा के देखते हैं कि क्या आपको देखने को मिलता है। तो AC का ब्लोअर जो है उसकी थ्रो अच्छा है एयर का, और बाकी इसमें आपको प्रीपेड ट्रिप भी और टोटल किलोमीटर ट्रेवल और एवरेज और रेंज देखने को आपको मिल जाए। और बाकी अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करता हूं मैं, तो मेरी हाइट है 5 feet 5 inches। अब पीछे जाके स्पेस दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको हेडलैम्प लेवलर भी देखने को मिल जाता है, और बाकी डीलरशिप के बारे में मैंने आपको बताई दिया है। और बाकी विंडो जो है ऑटो डाउन आगे की देखने को मिल जाती है, पीछे मैनुअल ही देखने को मिलेगी। मैं आपको चल के दिखाता हूं कि क्या कुछ आपको पीछे इसमें सिस्टम देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको इधर देखोगे कि मैनुअल जो है अपना पावर विंडो नहीं, विंडो आपको देखने को मिलती है, मैनुअल एडजस्टेबल। और बाकी स्पेस की बात करें तो यार स्पेस में तो नो डाउट स्पेस तो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। और बाकी इधर आपको बोतल होल्डर देखने को मिलता है, आप 1 लीटर की बोतल इधर आराम से रख सकते हो। और बाकी सीट की बात करें तो सीट आपको लाइट टोन में देखने को मिलती है, आर्मरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलता। और बाकी ऐसे कुछ है, फ्रंट का आप लुक ले सकते हो कि ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलता है। और बाकी डीलरशिप पे आप विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कंपनी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, और बाकी एक बार और फ्रंट लुक ले लो आप, और वीडियो एंड करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।